हाय एवरीवन, आज हम उदयपुर के फतेह सागर झील में आए हैं, जिसका निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोटर बोट और जेट बोट का प्राइस बताया गया है, तो आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं कितना प्राइस है। यहाँ की जो टाइमिंग है वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाती है और शाम के 7 बजे तक रहती है। फतेह सागर लेक एक टापू है, एंड जो फतेह सागर लेक है उदयपुर का एक फेमस अट्रैक्टिव प्लेस है। तो आप जब भी आप आएँ अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो यहाँ पर आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। सागर लेक उदयपुर की 4 लेक में से एक है और इसमें 3 छोटे द्वीप बने हुए हैं। ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है और यहाँ पर वाटर जेट फवारा वो भी होता है, और यहाँ एक पब्लिक पार्क भी बना हुआ है जो जस्ट इस झील के अपोजिट साइड में आपको मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भी अवेलेबल है, जो आपको झील के जस्ट साइड में आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी, जहाँ पर आप आराम से कुछ खा भी सकते हैं और साथ में इस लेक का आनंद भी ले सकते हैं। अभी हम लोग आप पहुँच गए हैं फतेहगढ़ में, और आपको देखते हैं कि यहाँ पर कैसा है माहौल। उनका बहुत फेमस है फतेहगढ़, जो इतना बड़ा झील है। तो हमने अभी बोटिंग कर ली है और उसके बाद अभी हम लोग इस साइड बाहर बैठ आए हैं। यह देखिए पूरा बना हुआ है अलग से। जो मैंने आपको एक पब्लिक गार्डन के बारे में बताया था, तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो ये जस्ट लेक के अपोजिट साइड में है, तो हम एक बार आपको वहाँ का भी टूर करा देते हैं कि ये गार्डन कैसा है। उदयपुर के फतेह लेक में आए हो तो यहाँ फिल्मी स्टाइल तो बनता ही है। देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप ये गार्डन से भी लेक व्यू देख सकते हैं, एंड ये गार्डन काफ़ी ब्यूटीफुल है। और साथ में यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी प्लेग्राउंड बनाया गया है, और यहाँ पर आप रेस्ट भी कर सकते हैं। हम लोग फतेह लेक के अपोजिट साइड में आ चुके हैं, चलिए आपको यहाँ का भी व्यू दिखाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हम लोग फतेह लेक को क्रॉस करके अब इस साइड आ चुके हैं, और यहाँ पर यहाँ का पार्किंग बनाया गया है। ये पूरा राउंड है फतेह सागर लेक, तो आप उस साइड भी जा सकते हैं और इस साइड में भी आके आप यहाँ का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कार भी खड़ी है,
और साथ में यहाँ पर टू व्हीलर का पार्किंग भी दिया गया है। तो आपको यहाँ से व्यू भी अलग से दिखेगा। आप एक बार यहाँ का व्यू देखिए कि कितना सुंदर व्यू है फतेह सागर का। इसके बाद हमारा जो प्लानिंग था, यहाँ से हमने सोचा कि इसके पास से हम लोग थोड़ा सा आपको इस डायरेक्शन से भी दिखा दें कि अगर आप अपोजिट साइड आते हैं तो यहाँ से व्यू कैसा दिखता है। इतना अच्छा यहाँ पर हवा चल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था मुझे। एंड आप लोग जब भी उदयपुर आए तो फतेह सागर लेक कभी मत मिस करना। यहाँ आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। यहाँ पर काफ़ी पीसफुल टाइप का प्लेस है। एंड यहाँ से मैं आपको एक मंदिर दिखाना चाहती हूँ। मैं जूम करके आपको मंदिर दिखा रही हूँ। ऊपर में एक मंदिर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं कितना सुंदर मंदिर लग रहा है। आप ऊपर में देखेंगे तो आपको मंदिर आराम से दिख जाएगा। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्लान था एक्वेरियम देखने का, और यहाँ पर एक्वेरियम का प्राइस लिखा हुआ है कि जो पर पर्सन 158 रुपीज़ है, बाकी आप चाइल्ड और बाकी लोगों का प्राइस आपको देख सकते हैं। एंड ये एक्वेरियम अंडर द सन एक्वेरियम है, तो हम देखते हैं कि कैसा है। और इसके बाद हम चलेंगे अंदर, और इसके बारे में यहाँ डिटेल लिखा हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। और साथ में ये यहाँ का एंट्रेंस है, यहाँ पर आपको टिकट दिखाना रहता है। इसके बाद आप अंदर जाते हैं तो उसके बाद आप वहाँ पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। ये अंडर द सन जो एक्वेरियम है आपको फतेह सागर लेक के अपोजिट साइड में मिल जाएगा। और यहाँ जब आप एंट्रेंस में आते हैं तो आपको ये वॉल पे आपको ये डेकोरेशन देखने को मिलेगा। आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। एंड हम इसके बाद आगे चल रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है एक्वेरियम ज़रूर बताइएगा। एंड जब आप एक्वेरियम के अंदर आते हैं तो आप यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। आप ये जो देख रहे हैं सामने एक्वेरियम, इसके अंदर आप जा सकते हैं। मैं आप देखिए, ये मैं यहाँ से अंदर गई हूँ। यहाँ पर आप फिश के साथ सेल्फी ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो खींच सकते हैं। ये काफ़ी बहुत ही अच्छा है, ये यूनिक चीज़ें हम मैंने पहली बार देखा। आप
आप ये फिश देखेंगे तो यहाँ ये जो फिश है वो शार्क के जैसा है, इसलिए इसके डायग्राम में भी शार्क बना हुआ है। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको ये शार्क का लुक देगा ये फिश। और एक्वेरियम के अंदर ही यहाँ पर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है और आप देख सकते हैं कि फ्लोर पे बहुत सारे फिश है। ये यहाँ का अट्रैक्टिव प्लेस है। और यहाँ नीचे में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेस्टोरेंट का आप ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है। और चलिए मैं आपको यहाँ का मेनू दिखा देती हूँ। यहाँ पर आपको आइसक्रीम और मॉकटेल भी मिल जाएगा जो यहाँ पर गिवन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पॉज करके, यहाँ पर इसकी प्राइस भी दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको फालूदा भी मिल सकता है। साथ में यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी अवेलेबल हैं। इसके बाद शाम हो चुका था और हमारे जाने का टाइम हो गया था और आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से आपको सनसेट भी दिख जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार और बाहर दिखा देती हूँ यहाँ का लुक कैसा है फतेह सागर लेक का।